गोंडा जनपद में एक और कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के साथ ही जनपद में 3 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। शुक्रवार को आई हुई 24 रिपोर्ट में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया, बाकी 23 रिपोर्ट निगेटिव आई है। संक्रमित युवक थाना क्षेत्र खरगोपुर का निवासी है, जो 28 अप्रैल को दिल्ली से गोंडा आया था। आने के बाद सीधे अस्पताल पहुंचकर उसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया व युवक को आइसोलेट कर दिया गया। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक पॉजिटिव आने पर संक्रमित युवक को लेवल 1 हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। युवक का प्रवेश दिल्ली से आने के बाद अभी गांव में नहीं हुआ था, जिसके कारण गांव व क्षेत्र अभी तक सुरक्षित है व कोई खतरा नहीं। महामारी पूरे विश्व में है और इसमें लगातार जनपद स्तर से जो ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध हैं या फिर जिनके अंदर कोई सिम्टम पाए जाते हैं अथवा जो बाहर से इंटरस्टेट ट्रेवलर्स आ रहे हैं, उन सबकी सैंपलिंग करा के जांच कराई जा रही है। इसी सैंपलिंग के दौरान कल की आई रिपोर्ट में एक और पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको आइसोलेट करते हुए पहले ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उनको जो हमारी कोविड 1 फैसिलिटी पंडरी कृपाल में स्थित है उसमें उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके साथ हमारे पेशेंट की संख्या अब 3 हो गई है। जो हमारे पहले पेशेंट थे उनकी 2 रिपोर्टें जब लगातार नेगेटिव आ जाएंगी तो उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। अभी उनकी 1 रिपोर्ट प्राप्त आई हुई है जो नेगेटिव आई है। अभी उनका दूसरा सैंपल फिर से भेजा गया है, अगर दूसरा सैंपल भी नेगेटिव आएगा तो उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। मेरे अपने जितने भी साथी हैं जो चिकित्सा विभाग के हैं और जितने राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हैं, उन सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं कृपया उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग अवश्य कराएँ, जिससे यह पता लग सके कि किसी को अगर लक्षण हो तो तत्काल उनकी टेस्टिंग कराई जा सके।